राजस्थान विधानसभा चुनाव का महासंग्राम, भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर मंथन पूरा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति में देर रात मुहर लगी। अब आज या कल ये सूची जारी हो सकती है। भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार जारी है। करीब करीब 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया। इनमें 70 से 80 प्रत्याशियों के नामों पर नाम बताए जा रहे। दूसरी सूची में संभावना है कि कांग्रेस की पहली सूची के बाद बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, पहले ही कांग्रेस की पहली सूची का भी इंतजार है। हालांकि कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चलती रही, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक चली। राजस्थान को लेकर भी मंथन यहां पर हुआ। अब बीजेपी अपनी दूसरी सूची कब जारी करेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु कनेक्ट हो गए। विष्णु, कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार और बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार, क्या माना जाए? कब तक बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि कल मंथन हो गया जो होना था? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मंथन तो हो चुका रात को, क्योंकि मुहर लग चुकी है। एक तरह से कहते हैं मंथन, क्या मंथन के बाद फाइनल मुहर लग चुकी है। 70 से 80 प्रत्याशियों की दूसरी सूची बीजेपी की यहां पर इंतजार है और उसका आने वाली है, क्योंकि पहली सूची 41 की आ चुकी थी 9 अक्टूबर को, और उसके बाद से लगातार दूसरी सूची पर मंथन किया जा रहा था, और अब दूसरी सूची आज या कल में आ सकती है। हालांकि एक संभावना ये भी हो रही है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी और उसके बाद बीजेपी तुरंत दूसरी सूची जारी करेगी। कांग्रेस में भी जो सूची है वो पूरी तरह तैयार है, क्योंकि 18 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कहा था कि इनको जारी कर देंगे, लेकिन ये संभावना जताई गई थी कि 20 को यहाँ पर प्रियंका गांधी की राजस्थान में सभा और सभा के तुरंत बाद जारी कर दी जाएगी। देर रात तक उसी का इंतजार था कि लगातार कांग्रेस की पहली सूची और उसके बाद बीजेपी की भी दूसरी सूची आने की संभावना बनी थी। हालांकि अब दोनों तरफ से सूचियां तैयार है, लेकिन पहले कौन जारी करता है, बीजेपी या कांग्रेस, इसका इंतजार है। और सूची है वो लगभग तैयार है, जहाँ कांग्रेस पहली सूची करेगी जारी, वहीं बीजेपी दूसरी सूची करेगी। दूसरी सूची में बीजेपी में कुछ सिंगल नामों पर विचार किया गया है, वहीं दो जो नामों का पैनल है उस पर या तीन नामों के पैनल पर यहाँ पर विचार किया गया है। और उसमें जैसा कि रात को जी राजस्थान की ओर से बताया गया था कि लगभग बीजेपी पार्टी की ओर से जो सर्वे कराया गया था, उस सर्वे के जो रिजल्ट थे उसके आधार पर ही यहाँ पर जो टिकट है वो प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। पहली सूची के भी ज्यादातर नाम वही थे, दूसरी सूची में जो नाम आ रहे हैं लगभग जो सर्वे में बताए गए हैं वही है। कारण तक बताया गया उस सर्वे में कि कौन जीत सकता है, कहाँ कितनी टक्कर हो सकती है, कहाँ जीतने की संभावना और कहाँ बीजेपी हार रही है, इन तमाम को लेकर भी उस सर्वे में विश्लेषण किया गया था। जी राजस्थान की ओर से 10 बजे करीब जो बुलेटिन होगा उसमें फिर एक बार सर्वे की पूरी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कौन किसका पलड़ा भारी है, कौन बीजेपी का प्रत्याशी है पैनल में जो आगे है और कौन पीछे है। क्योंकि ये जो सर्वे है बीजेपी की ओर से करवाया गया था, गोपनीय एक बैच सर्वे है और उसके दस्तावेज जी राजस्थान के पास है, तो उसकी जानकारी 10 बजे एक बार दर्शकों तक साझा की जाएगी। फिलहाल सूची का दोनों ही तरफ से इंतजार है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सूची आज आ सकती है, आज नहीं तो कल फिर आनी आनी है, तो ऐसे में इसी को लेकर यहाँ पर इंतजार है सभी को। जी ठीक है, नजर बना के रखिए विष्णु, आगे आपसे अपडेट लेंगे एक बार फिर से जुड़कर कि आखिर कब तक ये सूची आ सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो विष्णु हमारे सहयोगी बीजेपी की सूची पर जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि आज सूची आने की पूरी संभावना है, अगर आज नहीं आई तो कल डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची सबके सामने होगी। करीब 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर लिया गया है।